मैं सेलिंग में असफलता से सफलता तक कैसे पहुंचा? फ्रैंक बेटगर, भाग 5, अध्याय 30। किस तरह मैं नए ग्राहक खोजता हूं और पुराने ग्राहकों को उत्साहित करता हूं। कुछ समय पहले मैंने यह हिसाब लगाया कि मैंने अपने जीवन में कितनी गाड़ियां खरीदी थी। मैं यह जानकर आश्चर्यचकित हुआ कि मैंने लगभग 33 कारें खरीदी थी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, आपके अनुमान से कितने सेल्समैनों ने मुझे यह 33 कारें बेची होंगी? पूरे 33 सेल्समैनों ने। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? जहां तक मुझे याद है, किसी भी सेल्समैन ने दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की। जब तक मैंने कार नहीं खरीदी थी, तब तक तो यह लोग मुझसे रुचि बहुत ले रहे थे, परंतु कार बेचने के बाद उनसे यह तक नहीं बना कि मुझे फोन लगाकर यह पता करें कि सब कुछ ठीक तो है। जैसे ही मैंने पैसा दिया और उन्हें उनका कमीशन मिला, वे एक तरह से अचानक इस धरती से ही गायब हो गई। क्या यह असामान्य है? सुनिए, मैंने पूरे देश में 15,000 श्रोताओं से पूछा है कि क्या किसी और को इस तरह का अनुभव हुआ है, और इसके जवाब में उनमें से आधे से अधिक ने अपने हाथ तत्काल खड़े कर दिए। क्या इससे यह सिद्ध होता है कि कार बेचना दूसरी चीज़ों की सेलिंग से अलग है? क्या कार के सेल्समैन के लिए यह लाभकारी होता है कि वह अपने ग्राहकों को भूल जाए और अपने पूरे समय को नए ग्राहकों को तलाशने में ही लगाए? यहाँ वह सूत्र वाक्य दिया जा रहा है जो एक बड़े सेल्स संगठन ने अपने सेल्समैनों को दिया है। कभी भी किसी ग्राहक को मत भूलो, न ही ऐसा होने दो कि ग्राहक आपको भूल जाए। आपने अनुमान लगा लिया, यह एक कार सेल्स संगठन है, शेवरलेट मोटर कंपनी। इस सूत्र वाक्य को अपनाकर वे दुनिया के सभी ऑटोमोबाइल निर्माताओं की तुलना में सेल्स में नंबर 1 पर रहते हैं, और पिछले 15 साल के उपलब्ध आंकड़ों में वे 13 साल लगातार नंबर वन रहे हैं। उसकी प्रॉपर्टी से प्रेम करो। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि जब कोई आदमी मुझ कुछ भी चीज खरीदता है तो वह शिष्टाचार, ध्यान और सेवा को पसंद करता है। इसलिए हम इन चीजों पर विचार करने में समय नहीं गंवाएंगे। हम खुलकर बात करेंगे और पूरी तरह स्वार्थपूर्ण नजरिए से इसे देखेंगे। सेलिंग के अपने करियर की तरफ निगाह डालते हुए मुझे सबसे बड़ा पश्चाताप यह होता है कि मैंने अपने ग्राहकों के हितों के अध्ययन, कॉलिंग और सेवा में दुगना समय नहीं लगाया। मैं पूरी तरह से गंभीर हूँ और सच कह रहा हूँ। मैं अपने रिकॉर्डों से आपको अभी 100 उदाहरण दे सकता हूँ कि अगर मैंने ऐसा किया होता तो मुझे किस तरह आर्थिक लाभ हुआ होता, कम तनाव हुआ होता, कम शारीरिक प्रयास लगा होता और ज़्यादा सुख भी मिला होता। हाँ सर, अगर मुझे फिर से अपना पूरा करियर शुरू करना पड़े तो मैं इस सूत्र वाक्य को अपना नहीं और इसे अपनी मेज के सामने वाले दीवार पर लटका दूंगा। कभी भी किसी भी ग्राहक को मत भूलो, नहीं ऐसा होने दो कि ग्राहक आपको भूल जाए। सालों पहले मैंने एक बड़ा घर खरीदा। मुझे वह जगह बहुत पसंद थी, परंतु इसकी लागत इतनी थी कि जब सौदा पक्का हो गया तो मैं सोच रहा था कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी, इसलिए मैं चिंता में पड़ गया। जब हम अपने नए घर में रहने आ गए, उसके 2-3 सप्ताह बाद हमारे रियल एस्टेट ब्रोकर ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि वह मुझसे मिलने आना चाहता है। यह शनिवार की सुबह की बात थी। जब वह आया तो मैं जिज्ञासु था। वह बैठ गया और उसने मुझे इस बात की बधाई दी कि मैंने इतनी अच्छी प्रॉपर्टी खरीदी है। फिर उसने मुझे उस जगह के बारे में कई बातें बताई और आसपास के इलाकों के बारे में कुछ रोचक ऐतिहासिक जानकारी भी दी। बाद में वह मुझे इस इलाके में घुमाने ले गया और उसने मुझे कई अच्छे घर और उनके मालिकों के नाम बताए। उनमें से कुछ लोग बहुत ही महत्वपूर्ण लोग थे। उसने मुझे गर्व का एहसास कराया। इस सेल्समैन ने मेरी प्रॉपर्टी के लिए बहुत उत्साह और प्रेम दर्शाया। इतना उत्साह कि उसने तब भी नहीं दर्शाया था जब वह मुझे यह प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा था। जब वह उस प्रॉपर्टी को लेकर उत्साहित हुआ तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वह मेरी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहा था। उसके आने से मुझे यह तसल्ली मिली कि मैंने गलती नहीं की है, और उसके आने से मुझे खुशी हुई। मैं उसके प्रति कृतज्ञता के भाव से भर गया। वास्तव में उस सुबह मुझे वह आदमी बहुत पसंद आने लगा। हमारे संबंध खरीदार और बेचने वाले से आगे बढ़ गए। हम दोस्त बन गए। इसमें उसकी शनिवार की पूरी सुबह बर्बाद हो गई, जब वह किसी नए ग्राहक की तलाश कर सकता था। बहरहाल, एक सप्ताह बाद मैंने उसे फ़ोन किया और उसे अपने करीबी दोस्त का नाम बताते हुए कहा कि मेरा दोस्त भी मेरे ही घर के पास एक प्रॉपर्टी में रुचि रख रहा है। मेरे ब्रोकर ने
उसके लिए एक अच्छी सी प्रॉपर्टी खोज ली और एक अच्छा सौदा पट गया। एक शाम को सेंट पीटर्सबर्ग फ्लोरिडा में मैं एक विषय में बोला। अगली रात को एक श्रोता मेरे पास आया और उसने मुझे यह कहानी सुनाई। आज सुबह एक ज्यादा उम्र की महिला हमारे स्टोर में आई और उसने हीरों की एक सुंदर जड़ाऊ पिन देखी। आखिरकार उसने उसे खरीद लिया और हमें चेक दे दिया। जब मैं उसे बॉक्स में लपेट रहा था तो मुझे आपकी उस बात का ख्याल आया कि मुझे उसकी संपत्ति से प्रेम जताना चाहिए। जब मैंने उसे पैकेट थमाया तो मैंने उस पिन की खूबियों के बारे में बहुत सी बातें की। इतनी बातें तो मैंने उससे तब भी नहीं की थी जब मैं उसे वह पिन बेचने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे बताया कि मुझे वह पिन कितनी पसंद थी। मैंने उसे बताया कि हमारे स्टोर में अब तक जितने भी डायमंड आए हैं यह उनमें से सबसे सुंदर हीरों में से एक है और यह हीरे दक्षिण अफ्रीका की हीरे की सबसे बड़ी और अच्छी खदानों से आए हैं और मुझे आशा है कि वह काफ़ी सालों तक इसे पहनेगी और इसका आनंद लेंगी। क्या आप जानते हैं मिस्टर बेटकर, उसने कहा। उस महिला की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि उसे मेरी बातें सुनकर बहुत खुशी हुई क्योंकि वह चिंता करने लगी थी। वह यह सोचने लगी थी कि कहीं वह इस तरह की ज्वेलरी खरीदने में इतना सारा पैसा तो खर्च करके मूर्खता तो नहीं कर रही थी। मैं उसके साथ दुकान के दरवाजे तक गया और पूरी गंभीरता से धन्यवाद देते हुए उससे कहा कि वह कभी भी हमारी दुकान में दोबारा आ सकती हैं और हमसे मिल सकती हैं। एक ही घंटे में वह बूढ़ी महिला एक और बूढ़ी महिला के साथ वापस आ गई। दोनों महिलाएं एक ही होटल में ठहरी हुई थी। उसने अपनी सहेली के सामने मेरा परिचय इस तरह दिया जैसे मैं उसका पुत्र था और उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी सहेली को स्टोर का पूरा सामान दिखाऊं। दूसरी महिला ने पहली महिला जितनी महंगी चीज़ तो नहीं खरीदी परंतु उसने कुछ सामान तो अवश्य खरीदा। और जब मैं सामने वाले दरवाजे तक उन्हें छोड़ने गया तो मैं जानता था कि मैंने दो अच्छे नए दोस्त बना लिए हैं। आपको पता ही नहीं चलता कब कौन आपकी थाल ले रहा है। सालों पहले सादे कपड़ों में एक बूढ़ी सी औरत एक डिपार्टमेंट स्टोर में आई। बाकी क्लर्कों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया परंतु एक युवा क्लर्क ने न सिर्फ उसमें रुचि ली, उसके साथ शिष्टाचारपूर्ण व्यवहार किया, बल्कि वह उसके पॉकेट लेकर उसे सामने वाले दरवाजे तक छोड़ने गया। जब उसने देखा कि बाहर पानी गिर रहा था तो उसने उसकी छतरी खोल दी, उसकी बाँह थामी और फिर उसके साथ जाकर गाड़ी में बैठने में उसकी मदद की। कुछ दिनों बाद उस स्टोर के मालिक को एंड्रयू कार्नेगी का एक पत्र मिला। उसमें उन्होंने अपनी माँ के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार के लिए धन्यवाद किया था और फिर उन्होंने अपने नए बनवाए गए घर की सजावट के लिए सामान का ऑर्डर भी उन्हें ही दिया। क्या आप जानने में रुचि रखते हैं कि बाद में उस युवा क्लर्क का क्या हुआ जो ग्राहक की इतनी फिक्र करता था? वह सेल्स क्लर्क आज एक बड़े पूर्वी शहर में एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर का प्रमुख है। कुछ समय पहले मैंने फ्रिजीडेयर्स के एक बड़े निर्माता मिस्टर जे पोकांक से एक सवाल पूछा, नए बिजनेस का आपका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मिस्टर पोकांक ने मेरे सवाल का बहुत ही संक्षिप्त जवाब दिया, हमारे ग्राहक। फिर उसने कुछ और कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और उसने अपनी बातों के समर्थन में इतने प्रेरक तर्क दिए कि मैं अगले दिन ही यह प्रयोग करने में जुट गया कि यह मेरे लिए कितना काम करता है। इसने जादू की तरह काम किया, यह हमेशा काम करता है, यह असफल हो ही नहीं सकता, मिस्टर पोकांक ने मुझसे कहा था। नए ग्राहक नए बिजनेस के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, नए ग्राहक। मैंने उनसे इसका कारण पूछा। उन्होंने कहा, नए ग्राहक अपनी नई खरीदारी को लेकर उत्साही और खुश होते हैं, खासकर तब जब वे उस सामान का इस्तेमाल पहली बार कर रहे हों। आमतौर पर वे इसे लेकर रोमांचित और गर्व का अनुभव करते हैं। वे अपने दोस्तों और पड़ोसियों को इसके बारे में बताने के लिए व्याकुल रहते हैं। जब हमारे बिजली के सामान को लगे एक सप्ताह के लगभग हो जाता है तो हमारे सेल्समैन कर्टसी कॉल पर जाते हैं। सेल्समैन यह पता लगाता है कि नए ग्राहक का फ्रिज या उसने जो भी सामान लिया हो वह ठीक तरह से काम तो कर रहा है। वह सुझाव देता है और मदद या सेवा का प्रस्ताव रखता है। आपको किसी और की तुलना में नए प्रयोग करने वालों के प्रचार से अधिक संभावित ग्राहक मिल सकते हैं। मिस्टर पोकांक ने मुझे उन सर्वेक्षणों के बारे में बताया जो उसकी कंपनी देश के विभिन्न हिस्सों में कर रही थी। परिणाम हमेशा वही निकले। उदाहरण के तौर पर एक मध्य पश्चिमी शहर में 55 नए ग्राहकों से सवाल किए गए
और उनसे यह पता इन्होंने केवल 17 को ही कर्टसी कॉल किए थे। उन 17 लोगों में से 8 ने सेल्समैनों को संभावित ग्राहकों के नाम दिए और इस वजह से उनका $1500 का सामान और बिक गया। सिर्फ शिष्टाचार दिखाने से तत्काल $1500 का नया बिजनेस मिल गया। परंतु इस बारे में सुने, अगर सभी 55 नए मालिकों को तत्काल फॉलोअप कॉल की गई होती तो क्या हुआ होता? इसका हिसाब लगाएं। 1500 भाग 17 कॉल बराबर $90 प्रति कॉल, $90 इंटू 55 बराबर $4,900। मिस्टर पोकॉक ने कहा, अनुभव ने हमें यह सबक सिखाया है, जब भी किसी को सामान बेचो तो उसे मत भूलो। उसने मुझे एक और महत्वपूर्ण तथ्य बताया, हमारे आधे से ज़्यादा ग्राहक हमें बताते हैं कि किसी दोस्त या रिश्तेदार के कहने पर उन्होंने उस सामान को खरीदने में रुचि ली। मिस्टर पोकॉक ने मुझसे जो अंतिम बात कही वह यह थी, अगर आप अपने ग्राहकों का ध्यान रखेंगे तो आपके ग्राहक आपका ध्यान रखेंगे। कई सालों तक मैं एक पत्र को अपनी जेब में रखे रखे घूमता था। इससे मुझे हमेशा कहीं ना कहीं एक या इससे अधिक लीड मिल जाती थी। इसमें थोड़ा सा हेर फेर करके शायद आप भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। मिस्टर विलियम आर जोन्स, रियल स्टेट ट्रस्ट बिल्डिंग, फिलाडेल्फिया। प्रिय बिल, मैं चाहता हूँ कि आप फ्रैंक बेडगर से मिलें। मेरे विचार से वे फिलाडेल्फिया के सबसे योग्य लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैनों में से एक है। मुझे उन पर पूरा विश्वास है और मैंने उनके सुझावों पर अमल किया है। शायद आप अभी जीवन बीमे के बारे में न सोच रहे हों, परंतु मैं जानता हूं कि आपको मिस्टर बेटकर की बातें सुनकर उनका लाभ होगा, क्योंकि उनके पास बहुत रचनात्मक विचार और सेवाएं हैं जो आपके और आपके परिवार के लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। आपका बॉब। मैं आपको उदाहरण दूं कि मैंने कुछ समय पहले ही इसे किया। मैंने हाल ही में अखबार में पढ़ा कि मेरे एक मित्र मर्फी, प्रसिद्ध बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर क्विंगले कंपनी को एक नया काम मिला। 20 मिनट में ही मैंने उसे फ़ोन किया और उससे अपॉइंटमेंट मांगा। जब मैं मिस्टर क्विंगले के ऑफिस में पहुंचा, तो मेरे लिए यह आसान था कि मैं एक बड़ी खुशदिल मुस्कान देकर उससे कहूं, बधाइयां बॉब। जब मैंने उससे हाथ मिलाया तो उसने पूछा, किस बारे में? मैंने कहा, मैंने आज सुबह के इंक्वायरर में पढ़ा था कि आपको UGI बिल्डिंग के नए निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। अरे धन्यवाद, वह मुस्कराया। क्या वह खुश हुआ? वह खुश क्यों नहीं होता? मैंने उससे पूछा कि वह इस बारे में बताए। फिर मैं सुनता रहा। आखिरकार मैंने कहा, देखो बॉब, अपने टेंडर भरने में आपने शायद कई सब कॉन्ट्रैक्टर से टेंडर मंगाई होंगी, नहीं क्या? बिल्कुल, उसने जवाब दिया। मेरा इंट्रोडक्शन का लेटर बाहर निकल आया। उसे वह पत्र थमाते हुए मैंने कहा, बॉब, आपने यह काम शायद उन लोगों को पहले ही दे दिया होगा जिनके कोटेशन कम थे, नहीं क्या? उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, कुछ को तो दे दिया है। जब उसने पत्र को पूरा पढ़ लिया तो उसने पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? क्या मैं अपने लेटर हेड पर इन लोगों के नाम यह पत्र लिख दूँ? मैं जब उस ऑफिस से बाहर निकला तो मेरे पास 4 इंट्रोडक्शन लेटर्स थे जो प्लम्बिंग, हीटिंग, इलेक्ट्रिकल और पेंटिंग कॉन्ट्रैक्टर के नाम थे। इंट्रोडक्शन लेटर्स देना हर आदमी के लिए हमेशा आसान नहीं होता, इसलिए मैं अपने साथ एक फॉर्म 4x2.5 का कार्ड रखता हूँ जो इस तरह से दिखता है। मेरा मित्र कार्ड के ऊपरी हिस्से पर संभावित ग्राहक का नाम लिखता है, कार्ड के निचले हिस्से पर अपने नाम के हस्ताक्षर कर देता है। अगर वह झिझकता है तो मैं कहता हूँ, देखिए, अगर आपका दोस्त यहाँ पर बैठा होता तो क्या आप मेरा परिचय देने में क्यों? और वह कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर वह कार्ड भर देता है। कई बार वह मुझे कई कार्ड दे देता है। कभी कभार लोग मुझे किसी का नाम सुझाने से इनकार कर देते हैं। एक साल पहले मेरे एक सख्त ग्राहक ने मुझे इस तरह का जवाब दिया, मैं आपको अपने सबसे बड़े दुश्मन के पास भी नहीं भेजूंगा। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, देखो बेटकर, मैं बीमा वालों से नफरत करता हूँ। मैं उन्हें यहाँ देखकर चिढ़ जाता हूँ। अगर कोई यहाँ आए और मुझसे कहे कि मेरे किसी दोस्त ने उन्हें भेजा है, तो मैं बुरी तरह गुस्सा हो जाऊँगा और मैं उस आदमी को फ़ोन करूँगा जिसने उसे भेजा है, और मैं उसे अपने दिल की भावनाएं बता दूंगा। और किसी भी आदमी को मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, परंतु बीमे वाले आदमी को कतई नहीं। यह बहुत ही निष्ठुर सच्चाई थी, परंतु मैं फिर भी किसी तरह मुस्कराया और मैंने कहा, ठीक है मिस्टर ब्लैंक, मुझे लगता है कि मैं आपकी भावनाएं समझता हूँ। मैं आपको बता दूं
कि मैं क्या फिजिकल यंत्र को बता दूं कि मैं क्या करूंगा। मुझे अपने किसी ऐसे परिचित का नाम बता दें जिसकी उम्र 50 वर्ष से कम हो और जो पैसे वाला हो। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं इस बात का जिक्र नहीं करूंगा कि आपने मुझे उसके पास भेजा है। उसने कहा, ठीक है, इस आधार पर अगर आप मिल सकते हो तो कैरोल जिगलर से मिल सकते हैं। उसकी उम्र 41 साल है। वह बेहद सफल है और वह सर्जिकल यंत्रों का निर्माता है। उसका पता है 918 N 19वीं स्ट्रीट। मैंने उसे इस जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और एक बार फिर यह वादा किया कि मैं उसके नाम का प्रयोग नहीं करूंगा। मैं सीधे मिस्टर जिगलर के प्लांट में पहुंच गया। अंदर जाकर मैंने कहा, मिस्टर जिगलर, मेरा नाम बेटकर है, मैं लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में हूँ। एक साझा दोस्त ने मुझे आपका नाम इस शर्त पर सुझाया है कि मैं उनके नाम का जिक्र नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे बताया है कि आप बहुत सफल हैं और आप अच्छे से बात करते हैं। मैं निकाल सकते हैं या फिर मैं किसी और समय आऊँ? आप मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? उसने पूछा। आपके बारे में, मैंने जवाब दिया। मेरे बारे में? अगर आप बीमे के बारे में बात करना चाहते हैं तो उसमें मेरी कोई रुचि नहीं है। कोई बात नहीं मिस्टर जिगलर, मैंने कहा, मैं आपसे आज बीमे के बारे में बात नहीं करना चाहता। क्या मैं आपके 5 मिनट ले सकता हूँ? उसने मुझे ठीक 5 मिनट दिए। इतने समय में मैं उससे वह सारी जानकारी लेने में कामयाब हो गया जो मुझे चाहिए थी। मैंने तब से मिस्टर जिगलर को 3 बार बेचा है, जो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा बिजनेस साबित हुआ है। यह एक अजीब बात है, हम लोग अच्छे दोस्त बन चुके हैं, परंतु एक बार भी उसने यह नहीं पूछा कि मुझे उनके पास किसने भेजा था। किसी बताई गई लीड के पास जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? 6 दिन के भीतर या 6 सप्ताह में? मैंने पाया है कि 6 मिनट सबसे अच्छा समय रहता है, या मैं जितनी जल्दी वहाँ पहुँच सकता हूँ नई लीड बहुत ही गर्मा गर्म होती है। जब यह लीड गर्म हो तब अगर मैं तत्काल वहाँ नहीं पहुँचूँ तो मैं इसे अपनी फाइलों में कहीं गुम कर दूंगा और मैं उसमें रुचि गवा दूंगा। जब मैं अपनी फाइल से इसे बाहर निकाल कर देखूंगा तो जैसा मेरी कंपनी के सबसे अच्छे युवा सेल्समैनों में से एक जॉन लॉर्ड कहते हैं, यह एक बासी ब्रेड के टुकड़े की तरह दिखती है। हम कभी नहीं जानते कि वह लीड हमें कहां तक ले जाएगी। कई बार लीड देने वाले दोस्त को टाइमिंग संबंधी ऐसी जानकारी होती है कि वह हमें बताने की स्थिति में नहीं होता। सराहना। इस शिष्टाचार को भी मैं उतना ही महत्वपूर्ण मानता हूँ जितना कि नाम को हासिल करना, चाहे जो हो, अच्छा या बुरा। मैं हमेशा उस दोस्त को बताता हूँ जिसने मुझे लीड दी थी। जब आप लौटकर नहीं बताते हैं तो इससे उस आदमी को बुरा लगना स्वाभाविक है, चाहे वह इसे न कहे, परंतु वह हमेशा इस बात के लिए आता रहेगा। मैं जानता हूँ, मैं इस स्थिति में दोनों ही तरफ से गुजर चुका हूँ और मैंने लीड देने और हासिल करने दोनों में ही अप्रिय अनुभव झेला है। इसके अलावा जब मैं लौटकर बताता हूँ कि मैंने सेल कर ली है और यह कहता हूँ कि मैं कितना कृतज्ञ हूँ, तो मेरा दोस्त भी उतना ही खुश हो जाता है जितना कि मैं। अगर मैं सेल करने में सफल नहीं होता तो मैं लौटकर बताता हूँ कि क्या हुआ था। यह आश्चर्यजनक है कि इसके बाद वह अक्सर मुझे कई और लीड दे देता है जो बेहतर साबित होती है। मैंने हाल ही में पश्चिमी शहर के एक बड़े बैंक के प्रेसिडेंट के साथ लंच किया। उसने मुझे इस तरह के पत्र की एक कॉपी दी जो वे अपने उन ग्राहकों की प्रशंसा में लिखते थे जो उनके बैंक में अपने मित्रों को शामिल करते थे। प्रिय मिस्टर ब्राउन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम आभारी हैं कि आप मिस्टर स्मिथ हमारे बैंक में लाए। आपने मिस्टर स्मिथ और अन्य मित्रों को फर्स्ट नेशनल बैंक में लाकर जिस मित्रता और सहयोग की भावना का परिचय दिया है उससे हमें काफ़ी खुशी हुई है। आप और आपके दोस्त हमसे जिस तरह से सेवा चाहेंगे उसे करने के लिए आप हमें हमेशा उत्साहित पाएंगे। आपका। कई साल पहले मैंने रोमांच से विली होप को विश्व की बिलियर्ड चैंपियनशिप जीतते हुए देखा। मैं हैरान था कि वह उन आसान छोटे शॉट्स का अध्ययन करने में कितना अधिक समय लगाता था जो मैं खुद आसानी से लगा सकता था। मुझे जल्दी ही यह पता चला कि वह उन आसान शॉट्स का अध्ययन नहीं कर रहा था। वह तो यह सोच रहा था कि वह अगले शॉट को किस स्थिति में खेलना चाहेगा और शायद अगले 12 शॉट किस तरह खेलेगा। होप का प्रतिद्वंदी भी उतना ही अच्छा शॉट खेलने वाला नजर आता था, परंतु अक्सर ऐसा होता था कि अगले शॉट के लिए उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं होती थी। अब मैं इस बात को बेहतर समझ सकता हूँ कि किस तरह उसके लिए यह संभव हो सका कि वह बिलियर्ड्स
कि वह बिलियर्ड्स में 15 मिलियन पॉइंट हासिल करके विश्व का अविश्वसनीय कीर्तिमान बनाई। वह 43 साल तक टाइटल होल्डर था। इस रिकॉर्ड की किसी और खेल में बराबरी करने की कोशिश करें। उस रात मैंने विली होप से जो बड़ा सबक सीखा वह मेरे दिमाग में हमेशा ताज़ा रहेगा। बिलियर्ड्स की तरह सेलिंग में भी यह महत्वपूर्ण होता है कि आप अगले शॉट को खेलने की सही स्थिति में हो। दरअसल यही तो हमारे बिजनेस की जान है। मैंने हार्टफोर्ड कनेक्टिक की एक एटला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट रॉबर्ट बी कुलीज को इसी बात को इस तरह से कहते सुना। प्रोस्पेक्टिंग सेविंग की तरह है। अगर आप इसके बारे में हर दिन कुछ नहीं करते तो कुछ समय बाद आपका भट्टा बैठ जाएगा। संक्षेप में, नंबर एक, कभी भी ग्राहक को मत भूलो, न ही ऐसा होने दो कि ग्राहक आपको भूल जाए। नंबर दो, अगर आप अपने ग्राहकों का ध्यान रखते हैं तो वे आपका ध्यान रखेंगे। नंबर तीन, उसकी प्रॉपर्टी से प्रेम करो। नंबर चार, नए ग्राहक नए बिजनेस के सबसे अच्छे स्रोत होते हैं, नए ग्राहक। नंबर पाँच, किसी दी हुई लीड से मिलने जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है, 6 दिन में या 6 सप्ताह में? मैंने पाया है कि 6 मिनट सबसे अच्छा समय होता है। नंबर छः, किसी लीड के लिए सराहना का प्रदर्शन करना कभी न भूलें। परिणामों की रिपोर्ट दें, चाहे परिणाम अच्छे हों या बुरे। नंबर सात, अगले शॉट की सही पोजीशन में आने के लिए खेलें। धन्यवाद। आइए चलते हैं अध्याय 31 की ओर, सेल्स क्लोज करने के 7 नियम जिनका मैं प्रयोग करता हूँ।